ये है कराची के कदीम इलाके लियारी की तारीखी इमाम बारगाह, जो बशु की इमाम बारगाह के नाम से जानी जाती है। 1835 में कायम होने वाली इस इमाम बारगाह को अहले इलाका, जिसमें अहले तशी और अहले सुन्नत शामिल हैं, सब मिलकर चलाते हैं। इमाम बारगाह में होने वाली मजालिस में हिंदू, ईसाई और दीगर मजाहिब से ताल्लुक रखने वाले अफराद भी अकीदत से शिरकत करते हैं। हमारा बचपन से यहाँ आना जाना है, हम यहाँ पर तकरीबन 60 साल मेरी माशाल्लाह उम्र हो गई है, तो हम लोग जब से वो संभाले हम लोग का यहाँ आना जाना है। और ये काफ़ी हमारे इलाके कदीमी है, यहाँ बड़े बड़े आलिम दीन आए मस्जिद से पढ़ने, तमाम अहले मोहल्ला यहाँ के, हिंदू कम्युनिटी भी यहाँ तक है इवन यहाँ पे आके शिरकत करती है, क्रिश्चियन मेम्बर्स हैं वो आते हैं, घर दिए कि यहाँ पे शिया सुन्नी, हमने कभी तफरकाबादी की कोई चीज़ इस इलाके में, इस इमाम बारगाह में नहीं देखी है। इमाम बारगाह के ट्रस्टी मिर्जा सदुल्ला ने कदीम इमाम बारगाह की देखभाल में अहले इलाका की खिदमात का जिक्र किया। इमाम बारगाह के लुक आफ्टर में, चलाने में, इसकी ज्यारतों में, मैं ये कहता हूँ कि शियाओं से ज्यादा यहाँ की जो अहले मोहल्ला सुन्नी हजरात का बड़ा कंट्रीब्यूशन है। वो माशाल्लाह आशूर की रात को हम तो अपने निकल जाते हैं जुलूस हज़ा में, बाकी यहाँ पे पूरी रात जो है सुन्नी हज़रात माशाल्लाह उनकी मन्नतें मुरादें जो कदीम अरसे से पूरी होती चली आई हैं वो बाकायदगी से आते हैं। 200 साल पुरानी इस इमाम बारगाह की तज़ीन और आराइश के बाद हर साल 29 ज़िलहज को अलम कुशाई की जाती है, जिसके बाद अज़ादारी का सिलसिला शुरू हो जाता है।